गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्डवर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजेंट वर्क हार्ड। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, बॉर्न जीनियसेस होते हैं, जिनके पास बचपन से ही बड़ा तेज दिमाग होता है, लेकिन वो लोग भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वो हार्डवर्क ना करें। अगर उनके कंपैरिजन में कोई एक मेहनती व्यक्ति है जो बहुत हार्डवर्क करता है, तो फिर वो उनको पछाड़ के वो आगे निकल सकता है अपनी लाइफ में। तो हर कोई व्यक्ति बोले ना कि ये बहुत टैलेंटेड है, इसको इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है कि आपके जितनी मेहनत ना करनी पड़े, बट हार्डवर्क सबको ही करना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे निकलना है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द अर्जेंसी ऑफ स्टरलाइजिंग स्ट्रे डॉग्स विद द एम ऑफ इवेंचुअली मेकिंग आर स्ट्रीट्स फ्री ऑफ द कैनाइन मेनेंस। बोल रहे हैं कि ये जो तत्परता है, जो जरूरत है, इस वक्त की जो डिमांड है कि हमारे सड़कों पे जो भी आवारा डॉग्स है उनको स्टरलाइज करने की, स्टरलाइज करना मतलब एक उनको नपुंसक बनाना इस तरीके से कि वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स ना पैदा कर सकें। ठीक है, तो हमें उनको ये स्टरलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको, आपने देखा होगा जगह जगह स्ट्रीट डॉग्स है, आप बाइक चला रहे होते हैं, आपके पीछे भागने लग जाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते, बच्चों के खेलने वैसे जगह ही इतनी कम बची है, अगर थोड़ी बहुत बची है तो हर जगह पे वो अवेलेबल है, तो वो उनके ऊपर एकदम से अटैक कर देते हैं। हमने कई दफे सुना है कि वो फलाना फलाना व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, उनको डॉग्स ने काट लिया, या फिर कोई अनजान व्यक्ति नया अपनी गली में रहने आया था और उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, या फिर बच्चों के पीछे पड़ गए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये जो कैनाइन मेनेंस है, कैनाइन्स मतलब डॉग्स का जो मेनेंस है, आतंक है, इससे बचने के लिए हमें ये जरूरी है उनको स्टरलाइज करना। स्ट्रीट्स फ्री ऑफ कैनाइन मेनेंस हैज बिन अंडरस्कोर्ड फॉर मेनी ईयर्स, और ये कई सालों से इस बात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इवन एज केसेस ऑफ रेबीज एंड सिवियर इंजरीज ड्यू टू डॉग बाइट्स एंड मॉलिंग ऑफ पीपल बाय फेरोशियस हाउंड्स हैव बीन स्पैरलिंग। बोल रहे, और जो रेबीज की वजह से रेबीज के केसेस, या फिर डॉग्स डॉग बाइट्स की वजह से जो इंजरीज, या फिर फेरोशियस डॉग्स मतलब बड़े ही खतरनाक जो ये आक्रामक डॉग्स हैं, इनकी वजह से जो जख्म लोगों को शिकार होना पड़ रहा है इनका, वो केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का केस है, मेरे को डॉग ने काटा था, अपने कॉलेज से शाम को आ रही थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे पीछे एक डॉग है, और मैं तो एकदम स्ट्रीट से भरी पूरी भरी हुई स्ट्रीट थी, और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं उसका मूड आया होगा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा टेस्टी मांस मिलेगा, तो उसने बाइट कर दिया। और जबकि कुछ कोई वार्निंग नहीं, कोई भौंका नहीं, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बाइट किया। तो ये चीज़ें, अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप एस्टिमेट्स देखते हैं, हम देखिए, द WHO एस्टिमेट्स आर फ्राइटनिंग एट 18,000 टू 20,000 अ ईयर। WHO के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 18,000 से 20,000 हर साल, मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल डेथ्स बाय रेबीज टेक प्लेस इन इंडिया। यानी कि जितनी दुनिया में डेथ्स होती हैं, उसका 1/3 से भी ज्यादा जो डेथ्स हैं रेबीज की वजह से, वो इंडिया में होती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 आर द विक्टिम्स इन 30-60% ऑफ द डॉग बाइट केसेस एंड डेथ्स। जो जितनी भी डेथ्स होती हैं या डॉग बाइट के केसेस होते हैं, उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही 30-60% बार वही शिकार होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा ये अटैक किसके ऊपर करते हैं? कम उम्र के बच्चे के ऊपर करते हैं। आप देखिएगा कि बाइक पे चलते चलते भी किसी के ऊपर भी ये लोग स्टार्ट कर देते हैं पीछे भागना, गाड़ियों के पीछे भागना। तो चलो गाड़ियां तो मैनेज कर जाती हैं, बैलेंस कर जाती है, बट बाइक, टू व्हीलर्स, वो टू व्हील्स पे होते हैं, उनका बैलेंस बनाना बहुत खराब, मतलब मुश्किल काम हो जाता है उस टाइम पे। उनको अपनी जान भी बचानी है उनसे, डॉग से, कि वो बाइट ना करें, और बैलेंस भी बनाना है, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पुलिंग अप द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम फॉर इट्स एबिस्मल फेलियर टू इंश्योर दैट द सिटी वॉज रिड ऑफ स्ट्रे डॉग्स। बोल रहे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिंग अप मतलब फटकार लगाना, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम को फटकार लगाई है
क्योंकि उन्हों का जो ये अपनी सड़कों को आवारा कुत्तों से बिल्कुल क्लीन और साफ रखने का जो एक उद्देश्य था, उसमें वो बुरी तरीके से फेल हुए। अबिस्मल मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए, ठीक है। एंड और ये जो उनको फटकार लगाई गई है इज अ वेलकम डेवलपमेंट, ये बहुत ही स्वागत करने योग्य स्टेप है। मतलब अच्छा किया कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। तो द हाई कोर्ट वॉज कंस्ट्रेन टू डू सो इन व्यू ऑफ एमसीज लैप्सेस एंड इन एक्शन डिस्पाइट स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक। बोल रहे हाई कोर्ट को ये क्यों करना पड़ा? हाई कोर्ट ने ये इसलिए किया क्योंकि एमसी जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही, वो फेल हो रही है बार बार, उनकी तरफ से बहुत ढिलाई बरती जा रही है और इनएक्शन है, मतलब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्टार्टलिंग मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, और स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, यानी कि डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर भी एमसी जो है कोई कदम नहीं उठा रही है, बहुत इनएक्टिवली पेश बैठी हुई है, ठीक है। अब इसमें मसला ये भी आ जाता है कि आप स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने जाओ तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बनते हैं वो आगे आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, वो उनको छुपा लेते हैं या फिर उनको रोक देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको मार नहीं रहे, वो उनको स्टरलाइज करके वापस सड़कों पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि 1-2 सालों में उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑफ द ओवर 17,000 स्ट्रे कैनाइन्स ओनली 60 आर केप्ट इन इन्फर्मरीज एंड डॉग बाइट केसेस हैव बिन राइजिंग। बोल रहे हैं गुरुग्राम का आंकड़ा दे रहे हैं ये कि 17,000 स्ट्रे डॉग्स हैं वहां पे, लेकिन उनमें से केवल 60 जो है उनको ही इन्फर्मरीज, इन्फर्मरीज मतलब हॉस्पिटल्स में रखा जा रहा है, और इस वजह से डॉग बाइट केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इवन पेट डॉग्स आर अ टेरर एज मेनी ओनर्स लीव देम इन द ओपन विदाउट अ लीश। ये भी बहुत नॉर्मल सी, बहुत आम सा इंसिडेंट हो गया, और उनको अगर कुछ बोलिए तो वो कहते हैं आपको काट थोड़ी रहा है, आप ऐसे ही डर रहे हैं। भाई आपका डॉग है, आपको पता है कैसा है, हमें, हम अनजान लोग हैं, हमें थोड़ी पता है कि कैसा है, हमें तो डर लगेगा ही। ऑब्वियसली बात है, अगर काट लिया तो इंजेक्शन तो हमें लगवाने हैं ना, आपको थोड़ी लगवाने हैं, आप तो फिर सड़क पर वैसे ही घूमते रहेंगे। तो जो पेट डॉग्स हैं उनका आतंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनके ओनर जो हैं उनको बिना पट्टे के, बिना लीश के, लीश क्या होता है मैंने पिछले पिछले सेशन में भी आपको बताया था, जो स्ट्रैप होता है जिसके जरिए उनको पकड़ा जाता है, तो वो बिना लीश के उनको छोड़ देते हैं खुले में चढ़ने घूमने के लिए। तो द हाई कोर्ट बेंच हैड अर्लियर बैंड फेरोशियस पेट डॉग्स ऑफ 11 फॉरेन ब्रीड्स आफ्टर वन ऑफ देम हैड क्लेम्ड अ लाइफ। इससे पहले हाई कोर्ट ने क्या किया था, 11 नस्ल के फॉरेन ब्रीड के कुत्तों को बैन किया था, जो कि जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये बहुत ही फेरोशियस है, फेरोशियस मतलब बहुत ही आक्रामक है, ठीक है। इनको आप जरा सा करो तो ये एकदम आक्रामक हो जाते हैं और फिर काटने आ जाते हैं। होते हैं ना जैसे पिटबुल है, वो बहुत आक्रामक डॉग है, ठीक है। ऐसे उनने 11 फॉरेन ब्रीड्स आइडेंटिफाई करी और उनको इंडिया में बैन कर दिया गया। दिस पोटेंशियली डेंजरस स्टेट ऑफ अफेयर इज यूनिवर्सल। और ये ऐसा नहीं है कि केवल गुरुग्राम की समस्या है, दुनिया भर में ये समस्या है, ठीक है। आवारा डॉग्स हमने कई दफ़ा यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखे हैं कि कैसे वो एकदम से अटैक कर देते हैं आवारा डॉग्स, ठीक है। और जो डॉग ओनर्स हैं वो भी ये तर्क देते हैं कि हम खुले इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि फिर हमारा डॉग बंधा हुआ होता है, स्ट्रीट डॉग्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो फिर उससे हमारा डॉग इधर उधर भाग भी नहीं सकता ना अपना बचाव कर सकता है। ये भी उनका तर्क होता है, जो कि बिल्कुल सही है कि वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। इन फेब्रुअरी इट केम टू लाइट दैट डिस्पाइट 4 to 5 डॉग बाइट केसेस बीइंग रिपोर्टेड डेली इन पंचकुला। बोल रहे हैं कि फेब्रुअरी में ये आंकड़ा सामने आया था कि हालांकि 4 से 5 डॉग बाइट केसेस रोज होते हैं पंचकुला में, नॉट अ सिंगल स्ट्रे कैनाइन हैड बीन स्टरलाइज्ड। एक भी स्ट्रे डॉग को स्टरलाइज नहीं किया गया है प्रीवियस 4 मंथ्स में। इनफैक्ट सितंबर तक मैं भी पंचकुला में रहती थी एंड मेरे ऊपर भी 1-2 बार अटैक हो चुका है स्ट्रीट डॉग्स का। तो उस टाइम पे बच के भागना, जान बचा के भागना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खासतौर पर जब आपके पास में सामान हो या बच्चे हों, अगर आप
पैदल चल रहे हो, ठीक है, बाइक्स तो फिर दौड़ा लेंगी, आप पैदल चल रहे हो, आप कहाँ भाग के जाएंगे। द अलार्मिंग लेवल ऑफ द मेनेंस इज एविडेंट इन मोहाली टू, यानी कि ये जो इतना ज्यादा खतरा बढ़ चुका है इनका, अलार्मिंग लेवल पे मोहाली में भी देखने को मिला है। विच विटनेस्ड 11,077 डॉग बाइट केसेस इन 2022, केवल 2022 का आंकड़ा है, 11,077 केसेस जो है वहां पे डॉग बाइट के सामने आए हैं मोहाली में। येट नो स्टरलाइजेशन ड्राइव हैव टेकन प्लेस सिंस सितंबर 2021, फिर भी कोई भी स्टरलाइजेशन की मुहिम नहीं छेड़ी गई है सितंबर 2021 के बाद में। पार्लियामेंट डेटा रिवील्स दैट इंडिया रिपोर्टेड नियर 1.6 करोड़ केसेस ऑफ स्ट्रे डॉग बाइट्स बिटवीन 2019 एंड 2020। पार्लियामेंट में एक डाटा दिया गया जिसके अनुसार 1.6 करोड़ केसेस हुए हैं स्ट्रे डॉग बाइट्स के 2019 से 2022 के बीच में। देखो आंकड़ा कितना बड़ा है। अगर कोई सोचे ना कि नहीं ये तो छोटी सी बात है, आपको काट लिया तो क्या हो गया, एक्चुअल में ये बहुत बड़ी समस्या है। व्हाइल स्ट्रे डॉग्स नीड टू बी न्यूटर्ड ऑन अ वॉर फुटिंग, यानी कि स्ट्रे डॉग्स को जो स्टरलाइज करने का कार्यक्रम है, ये जो मुहिम है, ये युद्ध स्तर पर करनी पड़ेगी। It is equally important to penalize the owners who set free their pets. और ये ऐसा नहीं है कि हमने केवल स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट में, कोई हमारा पर्सनल ओपिनियन है इसलिए उनके अगेंस्ट में करना है, हमें ये पूरी समस्या को सॉल्व करना है, राइट। तो स्ट्रे डॉग्स को तो स्टरलाइज करने की मुहिम तो हमें युद्ध स्तर पर छेड़नी पड़ेगी, उसके अलावा जो डॉग ओनर्स हैं जो अपने डॉग्स को आवारा छोड़ देते हैं, मतलब बिना लीश के छोड़ देते हैं पूप करने, पॉटी करने के लिए, ये और फिर वो कहीं भी मंडरा रहे होते हैं कि अरे इनकी टांगे खुल जाएंगी, ये दौड़ कर आएंगे थोड़ा, तो उनको भी हमें पेनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि पेनल्टी डालनी पड़ेगी उनको भी, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, From the given passage, which of the following can be inferred about the situation of stray dogs in India? बोल रहे हैं निम्नलिखित पैसेज में से कौन सी सिचुएशन स्ट्रे डॉग्स की हमें समझ में आती है। तो देखो भाई, स्ट्रे डॉग्स की समस्या यही है कि बहुत ज़्यादा हो गए, जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा है, रेबीज के डेथ के केसेस, स्ट्रे डॉग बाइट्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। The Municipal Corporation of Gurugram has effectively controlled the stray dog population in the city. बिल्कुल गलत है, उनको फटकार इस बात पे लगी है कि भाई इतने केसेस बढ़ रहे हैं और आपने तब से कोई स्टरलाइजेशन ड्राइव नहीं चलाई हुई। The sterilization of stray dogs has been successful in eliminating the menace of the on the streets. ये भी बिल्कुल गलत है। Sterilization एक solution है, but अगर आप उसको effectively use नहीं करेंगे, plan नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं हो सकता सोल्यूशन, राइट। फिर वो केवल कागजों में लिखे हुए शब्द रह जाएंगे। द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइट्स आर सिग्निफिकेंटली हाई इन इंडिया। जितने स्ट्रे डॉग्स हैं और उनके स्ट्रे डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है। The WHO estimates that less than 1/3 of global deaths by rabies अकर इन इंडिया। तो ये लेस देन 1/3 नहीं होता, मोर देन 1/3 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रे डॉग सिचुएशन एज प्रेजेंटेड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सी सिचुएशन दी गई है स्ट्रे डॉग्स की जिसका बहुत क्रिटिकली एनालिसिस किया गया है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ इन्फर्मरीज फॉर स्ट्रे डॉग्स, कि स्ट्रे डॉग्स के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो फैसिलिटीज हैं जहाँ पे उनको रखा जाए वो बढ़ाने चाहिए। तो हमने पाया कि केवल थोड़ी सी संख्या के ही स्ट्रे डॉग्स वहाँ पे रखे जा रहे हैं, यानी कि हमने इन्फर्मरीज की कमी नहीं पाई बट एक्शन की कमी पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स कैन बी रिजॉल्व बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर लीश लॉज ऑन पेट ओनर्स।
बोल रहे हैं स्ट्रे डॉग्स की समस्या का समाधान ये है कि जो डॉग ओनर्स हैं वो उनके ऊपर लीज लॉज लगाए जाए, यानी कि आपको अपने कुत्ते को कैसे बांधना है, कैसे पकड़ना है, कितनी देर के लिए आप उसको खुला छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, कहाँ छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। जबकि उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बना सकते, लीज के ऊपर क्या लॉ बनाएंगे, कैसे पकड़ना है, कैसे उनको बांधना है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बट हाँ, अगर वो अपने डॉग्स को खुला छोड़ते हैं तो हमें उनके ऊपर फाइन लगाना है, ठीक है, इससे उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा कि अच्छा हम रोज रोज इतना फाइन नहीं भर सकते। द अर्जेंसी ऑफ स्टरलाइजिंग स्ट्रे डॉग्स इज मिसप्लेस्ड, द फोकस शुड बी ऑन एजुकेटिंग चिल्ड्रन अबाउट डॉग बिहेवियर। बोल रहे हैं कि जो ये समय की डिमांड जो कह रहे हैं हम कि इतना अर्जेंट हो गया डॉग्स को स्टरलाइज करना, ये एकदम मिसप्लेस्ड बात है, मतलब ये बात सही नहीं है, ये सही इसमें इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आप डॉग्स के साथ कैसे बिहेव करो, जो कि गलत है। बच्चे ठीक है, कुछ केसेस में बच्चे जाके उनको तंग करते होंगे, बट हर केस में तंग नहीं करते। अब कोई बाइक सवार जा रहा है, उसने डॉग को क्या तंग किया जो डॉग्स उसके पीछे एकदम काटने के लिए भाग गए, कोई अनजान व्यक्ति आपके गले में आ गया, आपकी सोसाइटी में आ रहा है, तो उसने ऐसा क्या गलत कर दिया डॉग्स के साथ में कि वो उसके पीछे काटने दौड़ गए, ठीक है, तो ये गलत है। इसमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर का रोल कम और स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज करने का एक्शन ज्यादा है। द सिचुएशन नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, प्रॉपर म्युनिसिपल मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स। बिल्कुल सही है, हमें चौतरफा अप्रोच रखनी पड़ेगी हर तरीके से। पहली बात तो हमें स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज करना पड़ेगा, म्युनिसिपल मैनेजमेंट होना चाहिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटीज को अच्छे तरीके से उनको मेंटेन करना चाहिए, उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, डॉग ओनर्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने डॉग्स को संभाल के रखें, आप अपने डॉग्स को एक प्रोटेक्टिव वे में बाहर लेके जाएं कि वो दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द अप्रोच नीडेड टू एड्रेस द डॉग बाइट इश्यू। बोल रहे हैं जो डॉग बाइट इश्यू के लिए हमारे को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, तो फेरोशियस पेट डॉग्स ऑफ 11 फॉरेन ब्रीड शुड बी एंटायरली बैंड, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं हम, तो इस जो हाईकोर्ट ने कर दिया है बैन, तो ये तो लॉजिक नहीं बना है ना। और अगर आपने ये थोड़ी है कि वो 11 प्रजातियों के कुत्ते ही काटते हैं, बाकी कुत्ते काटते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। डॉग तो कोई भी काट सकता है, दांत हैं, इफ़ यू हैव टीथ टू बाइट देन यू विल, जो कि कहावत भी है। तो क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे कौन सी डॉग ब्रीड्स रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, क्वेश्चन उनका नहीं है, ठीक है। और डॉग बाइट्स जो फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स हैं, ठीक है, लेकिन कई ओनर्स हैं उन्होंने उनको कंटेंट करके रखा है अपने अपने घरों के अंदर, राइट, तो वो कई दफ़ा कई लोगों के तो ज़्यादा खतरनाक बनते भी नहीं हैं, उनसे ज़्यादा हमें ज़्यादा खतरा किससे, स्ट्रीट डॉग्स से, ठीक है। स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड पेनलाइजिंग पेट ओनर्स आर इक्वली क्रूशल स्टेप्स। बिल्कुल सही है कि स्टरलाइज करना भी ज़रूरी है और डॉग ओनर्स जो उनको पेनलाइज करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल सही। द प्रॉब्लम ऑफ डॉग बाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पंचकुला एंड मोहाली। बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है डॉग बाइट की, ये केवल पंचकुला और मोहाली में ही है, और कहीं जगह पर भी ये प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो देखा वो ये देखा कि हाईकोर्ट ने हरियाणा हाईकोर्ट मतलब गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फटकार लगाई है, तो डेफिनेटली, और उस पैसेज में एंड में राइटर ने कहा कि ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन को लिमिटेड नहीं है। ओनली पेनलाइजिंग पेट ओनर्स इज द इफेक्टिव सोल्यूशन टू दिस इशू, कि केवल हम पेट ओनर्स को अगर पेनलाइज करें तो वही से सारा समस्या थोड़ी समाधान निकल आएगा, जबकि गलत है, पेट ओनर्स भी करते हैं बट ज्यादा समस्या स्ट्रे डॉग्स की है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट है, द WHO एस्टिमेट्स दैट मोर देन 1/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ्स आर डेथ्स बाय रेबीज अकर इन इंडिया, कि WHO के अनुसार 1/3 से भी ज्यादा डेथ्स जो रेबीज की वजह से होती हैं दुनिया भर में, उसकी 1/3 से भी ज्यादा इंडिया में होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15
रिप्रेजेंट 30-60% ऑफ द डॉग बाइट केसेस एंड डेथ्स। ये भी बिल्कुल सही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो 30-60% का डिजिट है डॉग बाइट केसेस का और डेथ्स का, उसके अंदर फॉल करते हैं 15 से कम उम्र के बच्चे। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड द स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम इन सिटी। ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने नहीं कर पाए हैं तभी उनको फटकार लगी है ना। तो ऑप्शन सी जो ये स्टेट जो ये सी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहे हैं कुछ पेट डॉग्स जो हैं वो समस्या हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं क्योंकि उनके डॉग ओनर्स जो हैं उनको बिना लीश के छोड़ देते हैं, जो कि सही है। कुछ पेट डॉग्स होते हैं ऐसे जिनको उनके ओनर जो हैं बिना लीश के छोड़ देते हैं, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है। और पैसेज में जो राइटर है वो बड़े परेशान दिखाई दिए, राइट। हमें स्ट्रे डॉग्स की समस्या से बड़े ही परेशान दिखाई दिए क्योंकि उनने जो वर्ड्स यूज किए हैं अर्जेंसी, जो उन्होंने म्युनिसिपल पार्टी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो फटकार लगाई है उसको वेलकम स्टेप बताया है, ठीक है। अलार्मिंग नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग केसेस बताया है, इनफेक्टिवनेस बताया है कि हमारी सरकार का, और जो उन्होंने बोला है कि इन अबिस्मल फेलियर हुआ है, स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक, पोटेंशियली डेंजरस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है कि वो बहुत परेशान लग रहे हैं इस समस्या से, ठीक है। तो वो क्या है, काफी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, लाइट हार्टेड, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़े खुश मिजाज है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, समस्या है तो क्या हुआ, इट्स ओके। एक्साइटेड है, एक्साइटेड भी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेटेड इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The need for sterilization of stray dogs to curb the menace. सही है ये कि हमारी क्या ज़रूरत है अभी डॉग्स को स्टरलाइज करने की ताकि ये जो खतरा है इसको कम किया जा सके। The adoption of pets in India, कि इंडिया में पेट्स को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में तो नहीं बात करी है, राइट। द प्रोलिफरेशन ऑफ फॉरन ब्रीड डॉग्स इन इंडिया, कि इंडिया में जो फॉरेन ब्रीड के डॉग्स हैं उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी है, हमने फॉरेन ब्रीड का जिक्र केवल एक जगह पे किया है जहां पे हमने बताया कि हाई कोर्ट ने 11 फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को बैन किया है, ठीक है। द डेली लाइफ इन इंडिया सिटीज, इंडिया की सिटीज में शहरों में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में चर्चा की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन ए द नीड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स टू कर्ब द मेनेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड फेरोशियस इन यूज्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब फेरोशियस का मतलब होता है आक्रामक, एग्रेसिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एग्रेसिव, जो कि सही है। डोसाइल, डोसाइल मतलब होता है फ्रेंडली, जिसमें हम कहते हैं कि या तो अपने ऊपर किसी का कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सबमिसिव टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंडली, फ्रेंडली भी नहीं होता, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब वही डोसाइल की, आपने किसी और का ऊपर हुकूमत एक्सेप्ट कर ली है। तो डॉग्स होते हैं ना कि अपने ओनर्स की बात मानते हैं, राइट, तो वो क्या है, सबमिसिव होते हैं डॉग्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए एग्रेसिव इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर मेनेंस, मेनेंस मतलब होता है खतरा। तो अगर किसी चीज का आपको खतरा है तो दूसरी चीज की अश्योरेंस है, कि अश्योरेंस है मुझे पता है मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, राइट। तो थ्रेट मतलब खतरा, डेंजर मतलब खतरा, अश्योरेंस मतलब आई नो मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मुझे अश्योरेंस है इस चीज की। एंड पेरिल, पेरिल मतलब होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, वही डेंजर की बात ही है कि एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत इमीडिएट के बहुत नजदीक है खतरा। सो ऑप्शन सी अश्योरेंस इज द एंटोनिम फॉर मेनेंस। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। ऑनलाइन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बाय हेयर्स ऑफ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर्स, जैसे हमारे बैंक में अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरा हेयर कौन होएगा, हेयर वो व्यक्ति होता है, हेयर या हायर उसको बोलते हैं, जो आगे इसको उसमें लिखा जाता है ना कि अगर हमें इन केस ऑफ एनी डेथ और कैलामिटी में मेरे बाद ये किसको पैसा मिलेगा, तो वो होते हैं हमारे हायर्स या हेयर्स, तो उनको बोला जाता है हेयर्स। कह रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति अगर डिसीज हो जाए यानी कि खत्म हो जाए तो उनके जो भी हेयर्स हैं वो
ऑनलाइन सेटलमेंट कर सकते हैं क्लेम्स की, एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स बाय पेंशनर्स. और पेंशनर्स जो भी पेंशन अधिकारी होते हैं, आपको पता है उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है साल में एक बारी, तो अब वो क्या कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट्स को सबमिट करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है. आर अमंग द स्ल्यू ऑफ कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लिस्टेड इन द रिपोर्ट. तो ये कुछ कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, कुछ कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में लिस्ट किए गए हैं. ठीक है, बिसाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड नो योर कस्टमर डेटाबेस. अब जो नो योर कस्टमर केवाईसी बोलते हैं ना, केवाईसी करवा लो केवाईसी करवा लो, तो केवाईसी के जो सेंट्रलाइज्ड अब डेटाबेस जो होगा उसका सेंट्रलाइज्ड होगा. इट सजेस्ट्स दैट ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट शुड नॉट बी स्टॉप्ड पेंडिंग पीरियोडिक केवाईसी अपडेट्स. तो इसने ये भी कहा कि कोई भी अकाउंट में ऑपरेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए अगर उनका केवाईसी अपडेट पेंडिंग है. अब केवाईसी अपडेट में क्या होता है कि पहले बोलते थे कि आधार कार्ड आपको फोन नंबर से लिंक करना है, फिर बोला आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाना है. तो ये सब केवाईसी के कुछ फॉर्मेलिटीज है. ठीक है, कि अब कल को कुछ नई चीज आ जाएगी कि अब हर व्यक्ति को पासपोर्ट बनाना मैंडेटरी है और अपना पासपोर्ट अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना मैंडेटरी है, हो सकता है ये चीज. तो ये क्या हो गया, और केवाईसी अपडेट्स तो बोल रहे हैं अगर किसी की पेंडिंग अपडेट है कोई, कि उसने नहीं अपडेट कराया है या नहीं लिंक कराया है, तो भी उसका अकाउंट रोकना नहीं चाहिए कि वो कोई इसमें ट्रांजैक्शन ना कर पाए. पेनल एक्शन हैज बीन प्रपोज्ड अगेंस्ट एंटिटीज फेलिंग टू मीट द स्टैंडर्ड्स. और बहुत पेनल्टीज और पेनल एक्शन उनके अगेंस्ट में लिए जाएंगे जो कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाए. एंड रिवॉर्ड्स फॉर दोज मेकिंग सिस्टमैटिक अपग्रेड्स. और जो लोग सिस्टमैटिकली अपग्रेड कर पाएंगे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे. अ टाइम लिमिट हैज बीन सॉट फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट. तो अगर सपोज करो किसी ने लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है, तो उसके प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स उसको वापस देने के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दिए. कि जैसे सपोज करो मैंने आज अपना लोन सबमिट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो 15 दिन के अंदर मेरे को मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाने चाहिए. फेलिंग विच पेनल्टी शुड बी इम्पोज ऑन लेंडर. तो इसके अगर वो ये नहीं कर पाता, अगर कोई जिससे मैंने पैसे लिया है जिस बैंक से, वो अगर मेरे को 15 दिन के अंदर मेरे पेपर वापस नहीं कर पाता है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन लगाया जाएगा. द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट पैनल सेट अप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एज मच नीडेड बूस्टर डोज टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस. बोल रहे एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया RBI द्वारा. ठीक है, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जो कि मच नीडेड बूस्टर डोज है, मतलब बहुत जरूरी थे, एक बूस्टर डोज की तरह है टू इम्प्रूव कस्टमर, जिससे कि कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होगी. किसमें? इन द बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस. यानी कि बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूव तो होगी होगी, साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर. आपको पता है ना कि जैसे आप बहुत सारे बजाज फिनसर्व्स है और बहुत सारे ऐसे नाम है जो लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बोल जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस, क्योंकि वो बैंक नहीं है बट फाइनेंशियल कंपनीज हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं. राइट, तो इनके इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा. और अदर कोई और दूसरे रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट, रेगुलेटेड मतलब कि जो कानून के अधिकारों में आते हैं, जिनको RBI रेगुलेट करता है, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी, उनकी भी कस्टमर सर्विस इससे इम्प्रूव होगी. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया एक एक्सपर्ट कमेटी को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी. उस किसके द्वारा बनाई गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी. और इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट. इसके बाद पेनल एक्शंस लिए जाएंगे जो इन नियमों को पालन करने में पीछे हटेंगे, और जो अच्छे से इन नियमों का पालन करेंगे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे. ये हो गया सेकेंड पार्ट. क्योंकि कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशंस से अगर कोई उनके प्रति काम नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, और करता है तो उसको प्रेज दिया जाएगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि इसमें क्या क्या लिस्ट है. इसमें ऑनलाइन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड.
और एक टाइम लिमिट दी गई है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को वापस करने के लिए भी. ये हो गया हमारा फोर्थ, यानी कि एस क्यू पी आर. एस से देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्यू को काट दो और पी को काट दो, ये एलिमिनेट हो गए. एस पी हमारे को चाहिए एस क्यू, तो यही रहा एस क्यू, तो ये हटा दो. एस क्यू पी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इवन स्ट्रे डॉग्स राउंडेड अप बाय द एमसीज आर लेट लूज बैक इन टू देयर स्ट्रीट्स आफ्टर न्यूट्रिंग और रिहेबिलिटेशन इन द पाउंड्स. कह रहे हैं कि और स्ट्रे डॉग्स भी, यहाँ तक कि स्ट्रे डॉग्स भी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनको पकड़ता है उनको आफ्टर न्यूट्रिंग, न्यूट्रिंग वही स्टेरलाइज करने के बाद उनको भी छोड़ दिया जाता है. कहाँ पे? पॉन्ड्स के पास में. द शॉकिंग इंसिडेंट इज अ ब्लॉट ऑन इंदौर दैट हैज बीन टैग द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर द पास्ट 4 ईयर्स. बोल रहे हैं कि ये जो हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है ये इंदौर के ऊपर एक धब्बा है. कैसे है धब्बा? क्योंकि इंदौर को पिछले 4 साल में इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है, फिर भी उनके वहाँ पे ऐसी घटना हुई. अब क्या घटना हुई है? थैंकफुली द इनह्यूमन अटेम्प्ट ऑफ सम वर्कर्स ऑफ इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू डंप अ ट्रक फुल ऑफ होमलेस पीपल. बोल रहे हैं कि शुक्र है कि ये जो अमानवीय घटना है जिसमें कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ वर्कर्स जो हैं वो पाए गए लोगों से भरा हुआ ट्रक डंप करते हुए. डंप करते हुए मतलब उन लोगों को किसी एक जगह पे जाके छोड़ दिया उनने, ठीक है. इंक्लूडिंग द फ्रेल एंड एल्डरली होम they had gathered on the highway in the freezing cold was drafted as villagers of the area protested after catching them red-handed. और इसमें कौन कौन शामिल थे जो हमने लोगों से भरा हुआ ट्रक देखा? उसमें बुजुर्ग लोग, कमजोर लोग, सब लोग शामिल थे. और ये सब लोग वो लोग थे जिनको हाईवे पे ठंड के दौरान में हाईवे पे पकड़ा गया था, ठीक है. हाईवे पे उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया था, पकड़ा था, और फिर क्या हुआ, इनको वहाँ पे जाके इन्होंने डंप कर दिया. अब किसी एक जगह पे अब वो डंप किया तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करा, ठीक है. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई थैंकफुली द इनह्यूमन एक्ट. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कुछ घटना हुई है. क्या घटना हुई है? कि होमलेस लोगों को ट्रक में भर के कहीं पर डंप करने की कोशिश की गई है. और किसके द्वारा की गई है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ वर्कर्स द्वारा. फिर आगे बताया कि इस जो डंप किए गए हैं लोग इसमें कौन कौन शामिल थे, इंक्लूडिंग फ्रेल एंड एल्डरली जिनको हाईवे पे पकड़ा गया था, हाईवे से लिया गया था, ठीक है. ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. इसके बाद आ जाता है क्यू स्टेटमेंट, कि ये जो शॉकिंग इंसिडेंट है ये इंदौर के ऊपर एक धब्बा है क्योंकि इंदौर को पिछले 4 साल से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है. और इतना ही नहीं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी न्यूट्रिंग करने के बाद में ऐसे ही कहीं पॉन्ड्स वगैरह के आसपास में छोड़ दिया जाता है, ठीक है. ये हो गया फोर. तो अरेंजमेंट बन रहा है R S Q R S Q P. आर से देखो दो स्टार्ट हो रहे हैं, सी और ए. R S R S Q P, ऑप्शन ए इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है. पर्संस चोजन और इलेक्टेड बाय अदर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू. कौन होते हैं ऐसे लोग? फिलोलॉजी. फिलोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का शास्त्र जो होता है उसको फिलोलॉजी बोला जाता है. विनायल. विनायल मतलब होता है अमर. एमेच्योर. एमेच्योर होता है शौकिया, ठीक है, जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं या तो फिर शुरुआत है उनकी. डेलीगेट. डेलीगेट वो लोग होते हैं जैसे हम बोलते हैं ना फ्रांस के डेलीगेट आए हैं, यानी कि वो फ्रांस के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे रखने आए हैं, ठीक है. सो ऑप्शन डी डेलीगेट इज करेक्ट. फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर. एकदम तेजी से गुस्सा आ जाना, ठीक है. फिट मतलब थोड़े टाइम के लिए एकदम से होते, कुछ लोग एकदम से नाराज हुए फिर 2-4 मिनट बाद फिर ठंडे भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं आपके पास कि सॉरी यार गलती हो गई, ठीक है. तो वो क्या होगा? फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर. एपिग्राम. एपिग्राम मतलब होता है विनोद का, एक तरह से शॉर्ट पोएम.
जिसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लेवर तरीके से आप किसी विचार को, किसी बात को रख रहे हैं. टेंट्रम, टेंट्रम अ फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, होता है ना, बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है या फिर आप क्या टेंट्रम दिखा रहे हो इतने बड़े होके. यूफोरिया, यूफोरिया होता है उत्साह. गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो पेट की समस्याओं का, फीमेल प्रॉब्लम्स का समाधान देखते हैं या उनसे डील करते हैं, उनको बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी टेंट्रम इज करेक्ट. अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पर ही पाया जाने वाला व्यक्ति, एनिमल या प्लांट, इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहला है डेनिजन. डेनिजन का मतलब होता है अ प्लांट, पर्सन और एनिमल दैट लिव्स और ग्रोज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. सायरन, सायरन हमने सुना है ना कि गाड़ी का, वो ट्रेन का सायरन बज रहा है, हॉर्न बज रहा है, वो क्या होता है? भोंपू जो होता है उसको बोलते हैं सायरन. एक्रोबैट, एक्रोबैट होते हैं जो हवा में करतबबाजी दिखाते हैं, कलाबाज. इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू होता है कुचक्र, यानी कि ऐसे बैड, कुछ बुरा करने के लिए प्लानिंग, सीक्रेट प्लानिंग करना. ठीक है, तो ऑप्शन ए डेनिजन इज करेक्ट. ट्वीकिंग गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, द यूनियन कैबिनेट अब गाइडलाइंस को चेंज करते हुए उन चैनल्स के लिए जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज लेड डाउन सम नॉर्म्स ऑन कंटेंट एज वेल. यूनियन कैबिनेट ने कंटेंट के ऊपर भी, चैनल्स को गाइडलाइंस दी हैं लेकिन कंटेंट के ऊपर भी कुछ नियम बनाए हैं उन्होंने. द टाइम ऑफ पोलराइजिंग ओपिनियंस, हीटेड डिबेट्स एंड नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज ऑन टेलीविजन, इट्स सेड वेयर एवर एप्लीकेबल. बोल रहे हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है कि अब जो समय है जिसमें हम लोग पोलराइजिंग ओपिनियंस देते हैं, पोलराइजिंग मतलब बड़े ही या तो पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, तीसरा कोई ओपिनियन होता ही नहीं है लोगों का. कुछ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसके बिल्कुल खिलाफ है. ये कोई भी नहीं देख रहा कि उसने कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ बुरे काम भी किए होंगे, है ना, ये कोई नहीं देख रहा. तो पोलराइजिंग ओपिनियंस का टाइम है जहाँ पे हीटेड डिबेट्स होते हैं और बहुत ही कुछ पर्टिकुलर कुछ आइडियाज को ही टारगेट किया जाता है, बार बार उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा कि बीजेपी से प्रॉब्लम क्यों है, कांग्रेस ऐसे क्यों कर रही है, ये कुछ इससे ज्यादा रोजगार है नहीं है, पानी साफ, पानी साफ पीने को मिल रहा है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है नहीं है, इन चीजों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही. बस चर्चा वही गिने चुने मुद्दों पे, हिंदुत्व, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, खर्चा, इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा होती है. ठीक है, तो वो टारगेटेड आइडियाज क्यों ही टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है. इट्स सेड वेयर एवर एप्लीकेबल द चैनल्स वुड हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड सोशली रेलिवेंट इशूज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. बोलते जहां भी एप्लीकेबल हो, जहां भी उनके पास गुंजाइश हो, उनको 30 मिनट के लिए, हर दिन 30 मिनट के लिए ऐसा कंटेंट ब्रॉडकास्ट करना है जो नेशनल इम्पोर्टेंस और सोशली रेलिवेंट इशूज के ऊपर हो. ठीक है, द गाइडलाइंस ऑफ फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सेटेलाइट. बोल रहे हैं कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग करने सेटेलाइट के ऊपर भी गाइडलाइंस दी हैं. टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 पॉइंट आउट, जिसका नाम दिया है टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 पॉइंट आउट दैट एज एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी. क्योंकि एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज सरकारी प्रॉपर्टी हैं, जनता की प्रॉपर्टी है, तो एंड नीड टू बी यूज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. इसलिए उनका जनता के भले के लिए सबसे अच्छा प्रयोग किया जाना चाहिए. अ कंपनी विथ परमिशन टू ऑपरेट इन इंडिया. अब कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें के पास इंडिया में ऑपरेट, जिसमें फॉरेन चैनल्स को या तो इंक्लूड किया गया या एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, विल हैव टू एयर कंटेंट इन द सर्विस ऑफ द पब्लिक, जिसमें उनको पब्लिक सर्विस के लिए कंटेंट चलाना पड़ेगा. The themes that have been picked out include education and spread of literacy. जो जो themes हैं जो choose की गई हैं उनमें से है education and spread of literacy,
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी थीम्स के ऊपर आपको कंटेंट चलाना है. दीज आर सब्जेक्ट्स ऑन विच अ लॉट मोर अवेयरनेस इज नेसेसरी, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू FICCI EY रिपोर्ट, विद टेलीविजन सब्सक्रिप्शन एस्टिमेटेड टू एड अनदर 42 मिलियन बाय 2025 फ्रॉम 178 मिलियन इन 2021, यानी कि FICCI के ईयरली या EY रिपोर्ट कोई आई होगी उसमें उनने बताया कि टेलीविजन सब्सक्रिप्शन जो है उसमें और 42 मिलियन का इजाफा हो जाएगा 2025 तक, जो कि 2021 में 178 मिलियन था, तो इसमें और 42 मिलियन ऐड हो जाएंगे. ऑन द फेस ऑफ इट द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज नॉट अ बैड आइडिया, तो इसको देखते हुए अगर हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट करते हैं तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है इन अ डाइवर्स कंट्री विद मेरिड इश्यूज, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधता वाला देश है, बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं. द गुड हाउएवर कम्स विद द डैश, अब अच्छे के साथ बुरा भी आता है तो यहां पर बैड ही होगा. द गुड हाउएवर कम्स विद बैड, ठीक है. द गाइडलाइन सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू अ जनरल डैश टू द चैनल्स फॉर टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट, बोल रहे हैं कि गाइडलाइन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर कुछ जनरल गाइडलाइंस जारी कर सकती है या जनरल कुछ चेतावनी या वार्निंग जारी कर सकती है, जनरल कुछ कंटेंट जारी कर सकती है जो कि चैनल्स को टेलीकास्ट करना पड़ेगा देश हित में. एंड द चैनल शल कंप्लाई विद द सेम, और चैनल को इसको मानना भी पड़ेगा. दो द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट टू द चैनल्स टू अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट देयर कंटेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, बोल रहे हैं लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने ये चैनल्स के ऊपर छोड़ दिया है कि आप किस तरीके से अब इसको मॉड्यूलेट करेंगे, किस तरीके से इसको चलाएंगे, किस तरीके से क्या एक्शन लेंगे, राइट. जैसे कि अगर आपने थीम कौन सी चूज करनी है, आप कौन से टाइम स्लॉट पे ये कार्यक्रम करवाएंगे, ठीक है, आप इसका कैसे इसको प्रोड्यूस करवाएंगे, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है, वो उनको छोड़ रखा है. इट्स स्टेटेड इंटेंशन टू स्टेप डैश एज and when required may be another way to signal that it will keep an watchful eye on the media. लेकिन इसकी जो ये कथित तौर पे ये जो कही गई intention है कि उनके कार्य प्रणाली के ऊपर हस्तक्षेप करने की, कि जब उनका मन करे, जैसे उनका मन करे वो उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो ये एक इशारा है कि ये बताने का कि सरकार जो है अब मीडिया के ऊपर बड़ी ही पैनी नज़र बना के रखे हुए है, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि अ कंपनी विद परमिशन टू ऑपरेट इन इंडिया डैश फॉरेन चैनल्स हियरिंग फॉरेन चैनल्स, हियरिंग मतलब उनकी बात सुनते हुए, तो उनकी बात सुनते हुए तो नहीं कर रहे. बियरिंग मतलब उनका व्यवहार देखते हुए, डिमीनर, उनका एटीट्यूड देखते हुए, तो फॉरेन चैनल्स का एटीट्यूड देखने से तो मतलब नहीं है. बारिंग मतलब फॉरेन चैनल्स को छोड़कर, तो फॉरेन चैनल्स को छोड़कर जो भी इंडिया में चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं. बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना, तो यहाँ पे बार्गेनिंग से भी तात्पर्य नहीं है, सुनवाई से भी तात्पर्य नहीं है, बियरिंग से भी तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है बारिंग से, यानी कि केवल फॉरेन चैनल्स को छोड़ के बाकी जो भी चैनल्स हैं जिनको इंडिया में ऑपरेट करने की परमिशन है उनके ऊपर ये लागू होगा. तो अब कोई अच्छी मंशा है ना. द गुड डैश हाउएवर कम्स विद अ डैश. गुड एक्सटेंट होता है विस्तार. गुड मेंटेन होता है बनाए रखना. गुड इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, भोला भाला, मासूम. गुड इंटेंट मतलब होता है इरादा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अच्छा इरादा है उसके साथ में कभी कभी दुष्प्रभाव भी आते हैं. सो ऑप्शन डी इंटेंट इज करेक्ट. गुड इंटेंट हाउएवर कम्स विद अ डैश. क्या है स्टिपुलेशन. स्टिपुलेशन मतलब शर्त के रूप में या शर्त. कैवियट मतलब चेतावनी. तो अच्छा इंटेंट है उसके साथ में एक चेतावनी भी आती है.
प्रोविजो, प्रोविजो मतलब होता है नियम या शर्त, और समन, समन मतलब होता है किसी को बुलाना। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी, कैवियट। कैवियट मतलब चेतावनी, कोई भी अच्छा इंटेंट है उसके साथ में एक चेतावनी भी जुड़ी हुई होती है। द गाइडलाइन सेज सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू अ जनरल डैश। अब क्या करेंगे जनरल, टू द चैनल्स को जारी करेंगे चैनल्स को जनरल स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब शर्तें, ठीक है। तो शर्तें तो यहाँ पे नहीं जारी करनी उनने, तो एक जनरल एडवाइजरी जारी की जाएगी। एडवाइजरी मतलब परामर्श, ठीक है। तो हमने देखा है सरकार समय समय पर एक एडवाइजरी जारी करती है। कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव मतलब सलाहकार के तौर पे सलाहकार जारी किया जाएगा एक जनरल, जो कि गलत है। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव सूचनात्मक जारी किया जाएगा। या फिर कॉशनरी, कॉशनरी मतलब सतर्कता वाला कुछ जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे एडवाइजरी ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि जनरल एडवाइजरी जारी की जाएगी। दो द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट टू द चैनल्स टू अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट देयर कंटेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, इट्स स्टेटेड इंटेंशन टू स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है आउट, ओवर, अप एंड इन। ऑप्शन डी, इन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, सिंस द बिगनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर स्पेंडिंग की बजाय, क्योंकि सिंस द बिगनिंग कहा गया है, तो जिसका मतलब है सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आता है साथ में, तो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो वी आर स्पेंडिंग, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है, राइट। तो यहां पर आएगा वी आर स्पेंडिंग की जगह पे वी हैव स्पेंट, ठीक है। आर स्पेंडिंग की जगह पे आएगा हैव स्पेंट, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री। सो ऑप्शन बी में एरर है। योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट शी, तो आपकी बहन अच्छा खाना बनाती है, इजंट शी के बजाय आएगा डजंट शी, ठीक है, क्योंकि आप उससे तर्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, राइट। तो इजंट शी भी पूछने का ही भाव है, लेकिन क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टेंस होगा वर्ब का, वही क्वेश्चन टैग होगा, राइट। तो योर सिस्टर कुक्स वेल डजंट शी, सो यहाँ पे सी में जो है एरर है। तो ये था आज का सेशन। इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।